Hello everyone, I am Somdaya. Once again I'm here with a new video. So today I have a question set for you. So आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ question set. ऐसे questions जो हम daily basis पे use करते हैं, तो इन questions को यदि आप go through कर लोगे, इन questions को आप याद कर लोगे, तो आपको English बोलने में बहुत ज़्यादा help मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर हम questions ही बोलते हैं. तो questions के आंसर और क्वेश्चंस दोनों का मैंने सेट बनाया है, तो इनको आप हो सके तो एक नोटबुक लगा लो या डायरी लगा लो, उसके अंदर लिख लो और प्रैक्टिस किया करो. किसी के साथ, अपने दोस्त भाई बहन किसी के साथ भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंग्लिश सीखने में. तो सबसे पहले है व्हाट्स योर गुड नेम और मे आई नो योर नेम प्लीज. व्हाट्स योर गुड नेम, गुड नेम का मैं बता देता हूँ, ग्रामेटिकली गलत होता है, क्योंकि हिंदी में कहते हैं हम आपका शुभ नेम क्या है. शुभ नाम, नाम सारे ही शुभ होते हैं, ठीक है. तो ज़्यादातर कोशिश करना कि व्हाट्स योर नेम, ठीक है. लेकिन गुड नेम भी आजकल प्रचलन में है, लेकिन यदि ग्रामेटिकली बात करें तो ग्रामेटिकली नहीं होता है, गुड नेम नहीं होता है. हिंदी में यदि शुभ नाम कहो तो गलत होता है वो, ठीक है. यदि हो सके तो आप इसे ऐसे ही बुलाएं, व्हाट्स योर नेम, ठीक है. और ट्रेंडिंग के हिसाब से इसे गुड नेम भी कह देते हैं. यदि आपके पास कोई गेस्ट आया है, कोई फ्रेंड आया है, उसके साथ कोई बंदा है, तो उससे पूछना चाहते हैं आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर गुड नेम, ठीक है. और किसी अननोन बंदे से मिलते हो, ठीक है, तो जैसे कहीं स्टेशन पे, कहीं पे भी कोई बंदा वैसे ही खड़ा है, आप उसका नाम जानने के इच्छुक हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि वो आपका नाम बताए ना बताए, उससे आपको परमिशन लेनी होती है, काइंड ऑफ परमिशन. तो उसमें कहेंगे मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नेम जान सकता हूँ, ठीक है. हाँ, तो जब आप किसी को कहते हो व्हाट्स योर गुड नेम, या फिर आपको कोई कहता है व्हाट्स योर गुड नेम, तो आप बता सकते हो माय नेम इज़ निखिल वर्मा, ठीक है. इसमें कभी भी आपको ये नहीं कहना कि माय गुड नेम इज़ निखिल वर्मा, नहीं, माय नेम इज़ वट एवर इज़ योर नेम. आप कोशिश करें फुल नेम बताने की, ठीक है, लाइक सोम दहिया, ठीक है. मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नेम जान सकता हूँ. यदि किसी ने आपको ये कहा तो सबसे पहले तो आप उसको परमिशन दीजिए, यस. फिर आप बताइए माय नेम इज़ भारती शर्मा, माय नेम इज़ वट एवर, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं. वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं. सो आप बता सकते हो आई एम फ्रॉम भवानीखेड़ा, आई एम फ्रॉम भिवानी, आई एम फ्रॉम हिसार. दूसरा इसको, दूसरा सेंटेंस में इसको कैसे कह सकते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. सो आई लिव इन भवानीखेड़ा, आई लिव इन वेयर एवर यू लिव, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है. तीसरा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग देयर, आप वहाँ कितने दिन से रह रहे हैं, आप वहाँ कितने साल से रह रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे यदि आपके पास कुछ साल हैं तो आप कह सकते हो फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, मतलब कितने भी साल से जितने से रह रहे हो, 20, 30, 40, ठीक है. या फिर आप बचपन से यहाँ रह रहे हो, आपका जन्म ही यहाँ हुआ है, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है. और यदि आपको एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, आपको ये पता है कि हम यहाँ पहले नहीं रहते थे, अभी रहने लगे हैं 4, 5, 10 साल से, तो आप कह सकते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट. सो हाउ लॉन्ग डिड यू लिव देयर, आप वहाँ कितने दिन रहे. लाइक किसी ने पूछा कि अभी तो मैं भिवानी रहता हूँ, पहले भवानीखेड़ा में रहता था, तो भवानीखेड़ा में आप कितने दिन रहे, हाउ लॉन्ग डिड यू लिव देयर, ठीक है. आई लिव देयर 3 ईयर्स, आई लिव देयर 3 ईयर्स, ठीक है. डू यू लाइक लिविंग देयर, क्या आपको वहाँ रहना पसंद है. डू यू लाइक लिविंग देयर, क्या आपको वहाँ रहना पसंद है. या आई लाइक वेरी मच, या आई लाइक वेरी मच, हाँ मुझे बहुत पसंद है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक योर नेबरहुड, डू यू लाइक योर नेबरहुड, क्या आपको आपका पड़ोस पसंद है. तो आप यहाँ पे अपना आंसर बना सकते हो, येस आई लाइक, या सॉरी आई डोंट लाइक, ठीक है. अब उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं कि वाई, क्यों नहीं, तो आप बता सकते हो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट यू डोंट लाइक, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, ठीक है. तो आप यहाँ बता सकते हो आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ. कभी ये मत कहना कि आई रीड, आई स्टडी, ठीक है. हाँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, दोनों ही चीज़ें कह सकते हो, ठीक है. या फिर आई एम स्टूडेंट ऑफ 9th 11th, वट एवर, ठीक है. हाँ, यदि उसके अलावा आप कुछ हो, आपका खुद का कोई प्रोफेशन है, आई एम अ टीचर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, वट एवर यू आर, यू कैन राइट हियर, ठीक है. यदि कोई ऐसा काम आप करते हैं जो आप इंग्लिश में नहीं बता सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसकी इंग्लिश में आपको बताऊँगा, ठीक है. तो इसी से बने कुछ और क्वेश्चंस हैं कि आप व्हाट डू, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं,
ठीक है, इसी के ऑल सारे सेट हैं, आपके भाई क्या करते हैं, आपकी बहन क्या करती है, आपकी मम्मी क्या करती है, बस ये एक ही सेंटेंस आपको याद रखना है कि व्हाट डज डैश डू, ठीक है। तो डैश की जगह पे आप रख सकते हो योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, ठीक है। व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर मदर डू, व्हाट डज योर ब्रदर डू, व्हाट डज योर सिस्टर डू, ठीक है। सो इसमें आप बता सकते हो माई फादर इज़ अ टीचर, ठीक है, माई ब्रदर इज़ अ टीचर, माई सिस्टर इज़ अ टीचर, माई मदर इज़ अ टीचर, तो आप जिसकी पूछ रहे हो उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और कुछ ऑप्शंस और लिए हैं, अ बिजनेस मैन, एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी, अ ड्राइवर, ठीक है, जो भी आपका प्रोफेशन हो, जो अभी आप करते हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। माई मदर इज़ अ होम मेकर, ठीक है, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ थोड़ा सा पहले प्रचलन में था ये वर्ड, आजकल नया वर्ड है होम मेकर, ठीक है। होम मेकर का मीन्स है, पहले कहते थे हम गृहिणी, मेरी मम्मी क्या है, गृहिणी है, बस घर में रहती हैं और घर का काम करती हैं, बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअली वर्ड शुड बी फॉर द मदर, देर शुड बी अ रेस्पेक्टफुल वर्ड फॉर द मदर, सो दैट इज़ होम मेकर, कि घर को चलाने वाली, मदर क्या करती है, घर को चलाती हैं, एक्चुअली घर को बनाती हैं, ठीक है। चाहे पापा बाहर से कमा के लाते हो, लेकिन घर का जो सारा मैनेजमेंट है मम्मी करती हैं, तो दैट देयर शुड बी अ सुटेबल वर्ड और रिस्पेक्टफुल वर्ड फॉर मदर, सो दैट इज़ होम मेकर। होम मेकर थोड़ा सा आजकल अच्छा प्रचलन में है, ठीक है। माई ब्रदर इज़ अ स्टूडेंट और माई सिस्टर इज़ अ स्टूडेंट, तो आप यदि इस तरह से आप अपने भाई बहन मम्मी पापा और भी किसी को बताना चाहते हो तो बता सकते हो, ये सेंटेंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट। यदि आपने बताया कि आई एम अ स्टूडेंट, तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच स्कूल डू यू रीड इन, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई रीड इन डैश डैश स्कूल, आई रीड इन BBR इंटरनेशनल स्कूल, आई रीड इन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वट एवर, ठीक है। विच क्लास डू यू रीड इन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आई रीड इन 10th क्लास और 10th स्टैंडर्ड, जो भी आपकी क्लास हो उसमें आप कह सकते हो, ठीक है। यदि आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए एक अच्छा वर्ड है परशू, आई परशू माई BA, आई परशू माई MA, ठीक है। परशू भी एक स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, जो हायर स्टडीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह की स्टडी के लिए हम परशू वर्ड यूज़ करते हैं। हु इज़ योर फेवरेट टीचर, तो आप यहाँ पर बता सकते हो डैश डैश इज़ माई फेवरेट टीचर, यू हैव टू राइट। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने टीचर का नेम लिखें जो आपका फेवरेट टीचर है, क्योंकि ये वीडियो उनके पास पहुँचेगी तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं भी किसी का बेस्ट हूँ, ठीक है। तो आप अपने अपने यदि टीचर्स को अच्छा फील करवाना चाहते हैं तो एक कॉमेंट लिखिए कि आई लाइक, या फिर डैश डैश इज़ माई फेवरेट टीचर, ही इज़ फ्रॉम दैट विलेज, ओके, यस। विच कंपनी डू यू वर्क फॉर, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, यदि आप एक एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच कंपनी डू यू वर्क फॉर, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं विच कंपनी डू यू वर्क इन, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। सो आई वर्क फॉर मारुति सुजुकी, आई वर्क फॉर मारुति सुजुकी, वट एवर इज़ योर कंपनी, जो आपकी हो आप यहाँ पर ले सकते हो। विच स्कूल डू यू टीच इन, आप टीचर हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच स्कूल डू यू टीच इन, आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं, आई टीच इन डैश डैश स्कूल, जो भी स्कूल आपका GR सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या फिर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वट एवर, ठीक है। विच स्कूल डज योर फादर टीच इन, आपके पिताजी किस स्कूल में पढ़ाते हैं, सो ही टीचेज इन डैश डैश स्कूल। विच स्कूल डज योर मदर टीच इन, आपकी मम्मा कौन से स्कूल में पढ़ाती है, सो सी टीचेज इन, आपके अकॉर्डिंग लिख लेना, सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदर्श हाई स्कूल, गॉट इट, हाँ। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट योर विलेज, अबाउट योर स्कूल, अबाउट योर इंस्टीट्यूट, अबाउट योर कॉलेज, अबाउट योर जॉब, ठीक है। तो आपके स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर आपके विलेज या आपके जॉब की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यू हैव टू राइट हेयर, यू हैव टू कॉमेंट मी दैट व्हाट इज द बेस्ट थिंग ऑफ योर स्कूल, कॉलेज और वट एवर, यू हैव टू मैंशन दैट आई एम टेलिंग अबाउट माई बेस्ट थिंग अबाउट माई स्कूल, तो आपको वहाँ पे लिखना है, गॉट इट। व्हाट इज द वर्स्ट थिंग, वर्स्ट होती है सबसे बुरी, ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट,
ठीक है। तो सबसे बुरी चीज़ क्या है, सो आपके विलेज की सबसे बुरी चीज़ क्या है, वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, ये थे आज के 10 ऐसे क्वेश्चंस का सेट। क्वेश्चंस तो देखें तो हमारे 25 से भी ऊपर हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन मैंने इनको कैटेगरी में बटा हुआ है, कुछ सिमिलर सिमिलर क्वेश्चंस थे। तो ये 10 क्वेश्चंस का एक ऐसा सेट हो गया है जो आपके लिए बहुत काम आएगा। चलिए, और पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 2 पार्ट 3 में, ठीक है। तो तब तक देखते रहिए द रूरल फाइट, और कमेंट करना मुझे ज़रूर याद रखना, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे होम। थैंक यू।